बिजनौर के थाना हल्दोर क्षेत्र के पेजनिया के पास धारूपाला मटावरी निवासी तीन युवक बाइक से घर लौट रहे थे। घर लौटते समय तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और काफी देर तक सड़क किनारे पड़े रहे। कार चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। एक युवक राहुल वर्मा की वहीं पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस द्वारा कार को कब्जे में लेकर थाने में ले जाया गया। पुलिस द्वारा देर रात मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। कार चालक शराब के नशे में था, जिस कारण तेज रफ्तार कार को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस द्वारा कार को कब्जे में ले लिया गया है और फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है। आदित्य चौधरी, जिला संयोजक बजरंगगढ़। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ, मौत हुई है, क्या पूरा मामला? ये हमारा कार्यकर्ता है, था राहुल वर्मा, मंडावली का रहने वाला था, और ये कल अपनी रेस लगाने, आर्मी का शौक रखता था, आर्मी में जाने का, और बड़ा अच्छा लड़का था। ये कहीं रेस लगाने गए थे कल पैजनिया की तरफ, तो जब वहाँ से लौट रहे थे तो एक I-20 गाड़ी ने, जो अनियंत्रित थी और बड़ी तेज स्पीड में थी, अब हो सकता है उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी हो या क्या उसके साथ मामला रहा, उन्होंने इन्हें ज़ोरदार टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद निकल गए। लाइन का अस्पताल में इलाज कराने की सोची ना कोई, मतलब कोई भी इंसानियत नाम की चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई है। और आज जो हमारे राहुल वर्मा कार्यकर्ता की जो मृत्यु हुई है, इसका हमें बड़ा दुख है, और मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है इस विषय में और आगे बोलने। कितने लोगों को टक्कर मारे थे, कितने की मौत हुई, कितने घायल? ये तीन लड़के थे, एक लड़के के पास बाइक नहीं थी, वो घर से भी जो है फाइनेंशियली कंडीशन जो उसकी जो है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो इनके साथ बाइक पर चला गया था। तीन व्यक्ति थे ये, तो उन दोनों के भी काफ़ी चोट आई है, वो अस्पताल में एडमिट हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। और ये हमारा कार्यकर्ता जो है, ये आपको पता ही है कि इसकी मृत्यु हो गई।